सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। दिवाली पे लोगों को क्या उत्साह है और क्या है उनके प्लान्स, ये जानेंगे। हमारे साथ हैं आरिफ। आरिफ, हमें बताइए दिवाली के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? दिवाली के लिए आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन बिकॉज़ इतना पोल्यूशन है दिल्ली में, हो जाता है कुछ ज़्यादा ही पोल्यूशन हो जाता है, नॉइज़ पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन। दो सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन न्यूमरस स्टेप्स बट देन इट इज़ अप टू अस टू मेक इट अ प्लेस फॉर लाइक ओल्ड पीपल, बेटर प्लेस फॉर ओल्ड पीपल एंड चिल्ड्रन एंड एनिमल्स। सो वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स एंड सेलिब्रेट द फेस्टिवल विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो वी शुड सेलिब्रेट अ इको फ्रेंडली दिवाली। क्या आप हमारी पब्लिक को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? जितनी वाइज आप हैं उसी हिसाब से क्या आप उनको भी कुछ मैसेज देना चाहती हैं दिवाली पे? जस्ट बिकॉज आई थिंक कि पहले तो सब क्रैकर्स जलाते हैं और उसके बाद दे आर लाइक कि इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है एंड आर गवर्नमेंट इज़ डूइंग नथिंग। सो आई विश कि आप अपने पार्ट पे कुछ करें और क्रैकर्स फ्री दिवाली प्लीज सेलिब्रेट करें एंड हैव अ वेरी हैप्पी हैप्पी दिवाली। कोई सोशल मैसेज देना चाहते हैं आप दिवाली पे? आपको पता है पोल्यूशन से रिलेटेड बहुत इश्यूज आते हैं, लोग स्ट्रे एनिमल्स को भी हार्म कर देते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? या अगर मैं पूरी तरीके से देखूँ तो मैं पूरी सहमत हूँ कि यहाँ पर दिल्ली सबसे ज़्यादा, मतलब कि यहाँ पर पोल्यूशन जितने हाई रेट से होती है आई डोंट थिंक सो पूरे इंडिया में होती है। तो इस चीज़ को बहुत सारे गवर्नमेंट रेगुलेशन भी जो आए हैं ऑड एंड इवन ऑल, बट वो इफेक्ट तब तक नहीं करेंगे जब तक हम लोग अपने में नहीं रहेंगे। अगर हम लोग अपने आप से रहेंगे कि नहीं हमें पटाखे कम जलाने हैं एंड वी हैव टू कंट्रोल आवर सेल्फ, देन ओनली वी कैन ब्रिंग द चेंज। आपका नाम? खुशी। खुशी, मुझे ये बताइए दिवाली के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? नॉट डिसाइडेड येट, बट हाँ मतलब मैं क्रैकर्स मतलब नहीं यूज करती हूँ दिवाली पे ऐसा, कि बहुत ऑलरेडी बहुत पॉल्यूशन हो रहा है जिसके कारण बहुत कैलमिटीज़ हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो ये मेरे लोगों के लिए यही मैसेज है कि मतलब कम से कम हो सके जो है वो क्रैकर्स कम यूज़ करें, इससे जो है और लोगों को भी फ़ायदा होगा, पॉल्यूशन होता है और किसी को जो एजड पर्सन हैं उनको प्रॉब्लम होती है, तो क्रैकर्स नहीं यूज़ करना, सेफ दिवाली मनानी है। दिवाली में मेरा प्लान है घर जाने का, क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ और मेरा घर हरियाणा में है, और दिवाली आते ही सबसे बड़ी एक्साइटमेंट यही होती है कि घर जाने को मिलेगा। बट क्या दिवाली के मौके पर आप कोई सोशल मैसेज भी देना चाहेंगी? क्योंकि आपको पता है जैसे लोग बहुत इनसेंसिटिव हो जाते हैं पोल्यूशन के मामले में, स्ट्रे एनिमल्स के मामले में, क्या कहना चाहती है लोगों से? इसलिए आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल टू से नो टू क्रैकर्स एंड विश यू हैप्पी एंड हेल्दी दिवाली। सबसे पहले तो मैं हॉस्टल में रहने वाली हूँ, तो सबसे बड़ा प्लान तो है कि घर जाना है और पेरेंट्स के साथ इंजॉय करना है, टाइम स्पेंड करना है और बहुत सारी मिठाई खानी है। अच्छा, सोशल मैसेज मैं आपसे जानना चाहूँगी कि दिवाली के मौके पर आपने विशेष तो दे दी, अब आप लोगों को क्या समझाना चाहती हैं, क्या नियंत्रण में रखना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो मैं समझाना चाहती हूँ कि आज के दिन हम ऐसे इन्वायरमेंट कंडीशन में है कि अगर हम खुद ही उस चीज़ को कोऑपरेट नहीं करेंगे, इतना पॉल्यूशन हो रहा है, पहले इतना ट्रैफिक्स की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, तो मैं चाहूँगी कि लोग ये जितने भी क्रैकर्स वगैरह फायर करते हैं ये सब ना करें। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपका सोशल मैसेज क्या है दिवाली को लेकर? आई रिक्वेस्ट द सोसाइटी टू नॉट टू बर्न क्रैकर ऑन दिस दिवाली, बी सेफ एंड सेलिब्रेट दिवाली इन अ सेफर मैनर। ऑल द एमएचपी व्यूअर्स विश यू ऑल द वेरी हैप्पी दिवाली।